गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक सस्ता सुंदर और टिकाऊ बैकग्राउंड के बारे में। जी हाँ गाइस, यदि आपका बजट बिल्कुल लो है और आप चाहते हो कि भैया मेरे पास जो बैकग्राउंड है, मेरी जो वीडियो के पीछे बैकग्राउंड हो वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल लेवल का हो, एक काफी अच्छी क्वालिटी के साथ हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप अपने पीछे का जो बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो ये जो बैकग्राउंड चेंज हुआ है, ये मैंने कैसे चेंज किया है, इसको कैसे एडिट किया है और मैं अभी की डेट में क्या यूज कर रहा हूं। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं, मैं अभी की डेट में जो यूज कर रहा हूं वो है एक ग्रीन पर्दा, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन स्क्रीन। भाई ग्रीन स्क्रीन सुनने में तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्या है, ग्रीन स्क्रीन कितनी कॉस्टली आती है, बट एक चीप रेट में मतलब लाइक 500 के अंदर अंदर आप अपने ग्रीन पर्दे को खरीद सकते हो। ये एक सस्ता और प्रोफेशनल तरीके से यूज करने का है, तो इस वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे पीछे का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। गाइस ग्रीन स्क्रीन होती क्या है, ग्रीन स्क्रीन होती है एक नॉर्मल सा पर्दा जो कि आपको कम रेट में, मुश्किल से 500 रुपए से कम की रेट में आपको ये पर्दा मिल जाएगा। अब आपको लगाना कैसे है, इसको आपको अपनी वॉल पे लगा देना है। सबसे बड़ी बात, आपको जो लाइटिंग की फोकस रखना है वो फोकस बिल्कुल प्रॉपर वे में लगना है। लाइक यदि सामने से वीडियो को शूट कर रहे हैं तो एक लाइट सामने होनी चाहिए, एक लाइट आपके लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। करंटली मैं जो शूट कर रहा हूं उसमें सामने जो लाइट है मेरे, यहाँ पे ट्यूबलाइट लगी हुई है, बट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में अभी की डेट में कुछ नहीं है, बट जो ट्यूबलाइट का फोकस है वो बिल्कुल मेरी सामने ग्रीन पर्दा पर आ रहा है। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ग्रीन पर्दा है मेरे पास अभी की डेट में और मैं इसी पर्दे को यूज कर रहा हूं और इस पर्दे को यूज करके ये अपने बैकग्राउंड को कंप्लीटली रिमूव कर रहा हूं। तो भैया ग्रीन पर्दा क्या है, ग्रीन पर्दा कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। आप Amazon और Flipkart से जाके इसको परचेज कर सकते हैं, ये अराउंड 500 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी जाके उसको परचेज कर सकते हैं। ये ग्रीन पर्दा मैंने कैसे लगाया है और ये ग्रीन पर्दा कैसे एडिट किया है पूरा कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको मिल ही जाएगा, बट मैं आपको फर्स्ट बता देता हूं कि भाई ये ग्रीन पर्दा मैंने कैसे अभी की डेट में अपनी वॉल पे लगाया। तो भैया वॉल ऐसे लगाया है कि ये ग्रीन पर्दा काफी बड़ा आता है, जब आप देखेंगे इस ग्रीन पर्दे को आप देख सकते हैं मैंने अपने ग्रीन पर्दे को कुछ इस तरीके से यहाँ पर रस्सी से देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कुछ रस्सी से बांधा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी वॉल पे भी होल कर सकते हैं, होल करके आप अपने यहाँ पर ग्रीन पर्दे को पूरा का पूरा लगा सकते हैं। जी गाइस यदि आप सामने शूट करने से पहले आपको दो या तीन चीजों का ध्यान रखना कंपलसरी है कि भाई जो ग्रीन आपका स्क्रीन है, ग्रीन स्क्रीन के में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है जब आप उसको शूट करते हो कोई भी अपनी वीडियो को, तो आपकी परछाई नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर, मतलब शेडो नहीं आनी चाहिए। आप जब भी अपनी वीडियो को शूट करो तो थोड़ा दूर से करना पड़ेगा आपको। यदि आप इसको आपकी यहाँ पे शेडो आएगी, ठीक है, जैसे मेरी अभी की डेट में शेडो नहीं आ रही है, यदि मैं बिल्कुल पास से इसको शूट करूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे पीछे का शेडो आ रहा है। अब यदि मैं इसको एडिट करूंगा अपने सॉफ्टवेयर से तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि जो मेरी शेडो है वो प्रॉपरली रिमूव नहीं हो पाएगी सॉफ्टवेयर से, तो काफी कुछ आपको मतलब डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सेकंड जो ग्रीन आपका स्क्रीन है उसमें आपको लाइटिंग का फोकस काफी रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, जो आपका ग्रीन स्क्रीन है उसके सामने आपको एक लाइट लगानी पड़ेगी, एक लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर लाइट लगानी पड़ेगी। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने लाइट लगाई हुई है वो कैसे लगाई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा फ्रंट है वो है बिल्कुल ट्यूबलाइट का फ्रंट है। यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसी अलग से कोई लाइट नहीं है, ठीक है, कि मैं उस लाइट को मतलब यहाँ पर लगाऊं, तो मैंने यहाँ पर अपनी सिंपली एक ट्यूबलाइट लगा रखी है। बिल्कुल सस्ता और सिंपल बैकग्राउंड को चेंज करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल चीप रेट में। लाइट सभी के घर में होती है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ग्रीन पर्दा खरीदना है। आपको अपने लेफ्ट या राइट साइड में एक बल्ब और लगाना है या CFL लगाना है, जिससे आपकी थोड़ी सी लाइटनिंग रिफ्लेक्ट होके इसके ऊपर आए, जिससे आपकी शेडो नहीं बन पाए। सो गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे जो पीछे यूज किया है वो एक ग्रीन ही स्क्रीन है, ग्रीन पर्दा है नॉर्मल सा, जो कि मैंने 500 रुपए के अंदर मतलब लाइक 450 के आसपास के खरीदा हुआ है। तो अब मैं इसको कैसे एडिट करने वाला हूँ, पीछे का ग्रीन स्क्रीन को कैसे चेंज करने वाला हूँ अपनी वीडियो के लिए। सो गाइज आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आपका कोई सजेशन हो यदि आपको लगता है कि मैं मोबाइल से कैसे ग्रीन स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, पीछे का ग्रीन का बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई वीडियो बनाऊं, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बता देना। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं वो इससे रिलेटेड बनाऊंगा यदि आपके कमेंट्स आएंगे। तो गाइस चलते हैं फिर
कंप्यूटर की तरफ। सो वेल गाइज, हम यहाँ पे एडिटिंग के लिए यूज करने वाले हैं वंडरशेयर फिल्मोरा एक्स सॉफ्टवेयर। वंडरशेयर का मेरे पास अभी जो वर्जन है वो 10 वर्जन है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अपनी पहले वीडियो को चूज करूंगा, जो वीडियो मैं एडिट करने वाला हूँ जिसका बैकग्राउंड हटाना है मुझको, वो वीडियो मैंने यहाँ पर चूज कर ली। इस वीडियो को मुझको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है। पिक्सल मुझको 1280x720 रखना है, तो मैंने यहाँ पे रख लिया इसको। अब मुझको क्या करना है गाइस, जो मेरा ये पीछे का बैकग्राउंड है ग्रीन कलर का, ग्रीन स्क्रीन है, इसको मुझको कम्प्लीटली हटाना है। अभी क्या करना है मुझको, अब मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर लूंगा। ये क्रॉप वाला ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कस्टम, और आपको ये ग्रीन वाला पोर्शन पूरा कम्प्लीटली हटा लेना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जब आपका ग्रीन पूरा पोर्शन इस तरीके से आ जाएगा, तो आप पूरा इसको देख लीजिएगा, ये इस तरीके से आपका ग्रीन पोर्शन आ जाएगा। अब आपको करना सिंपली इतना सा है कि यहाँ पर इसको डबल क्लिक, इस पर डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ पर मतलब वीडियोस के अंदर जाके, ऑप्शन के अंदर जाके, यहाँ पर आपको क्रोमा की के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। क्रोमा की पे आपको देखो यहाँ पे, तो अभी की डेट में जो यहाँ पर कलर सेलेक्टेड है क्रोमा की का, वो मेरे ग्रीन जो स्क्रीन है उससे डिफरेंट है। तो मुझको करना क्या है, यहाँ पे क्रोमा की पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ये जो छोटा सा एक इंक टाइप का मतलब पेन टाइप का बना हुआ है, इस पर क्लिक करके अपने यहाँ पर कर्सर को क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट हट चुका है, बट आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ शेडो आ रही है व्हाइट कलर की, तो मुझको इसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर जो ऑफसेट और ये टॉलरेंस का है, इसको आपको थोड़ा सा ज्यादा मतलब इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इंक्रीज करते टाइम पे ये थोड़ा थोड़ा सा हटने लग गया है, और इसको थोड़ा सा आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। यदि मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है, मतलब वो भले अदर कलर में दिख रहा है, बट मुझको यहाँ पे इसको डिक्रीज करना है। अब डिक्रीज करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे जो बाल हैं वो थोड़े थोड़े से कटना स्टार्ट हो गए। तो अभी करना क्या होगा, आपको यहाँ पे अल्फा जो चैनल है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अल्फा चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक व्हाइट कलर की अपनी प्रोफाइल दिखेगी, उसको आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं साइड में, जो साइड है मेरा कंधा है, ये दोनों शोल्डर्स हैं, उस पर मुझको थोड़ा थोड़ा सा मेरा जो है कलर वो व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो मुझको यहाँ पे इसको सेट करना है। अब सेट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे इस साइड पे जो कलर है वो कंप्लीटली व्हाइट हो चुका है। तो मुझको यहाँ का जो कलर है, यदि मैं इसको कंप्लीटली देखूं, तो ये देखिएगा आप, ये साइड वाला पोर्शन है यहाँ पर, जब मैं इसको वीडियो को प्ले करके देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है। तो मुझको वापस से अल्फा चैनल पे जाना है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो गया। अब मुझको करना क्या है, कंप्लीटली इसको आप और एनहांस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली फाइन ट्यून कर सकते हो। अभी मुझको करना सिंपल सा इतना है कि मैं को इसको ओके करना, और यहाँ पर अपना ही बैकग्राउंड को इंसर्ट करना है। बैकग्राउंड मैं कौन सा लेने वाला हूँ, जो मैं बैकग्राउंड यूज करता हूँ। अभी मैंने ये वाला बैकग्राउंड अपना यूज कर दिया और इस बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड अभी आपको दिख रहा है, विजिबल है, पर मेरी वीडियो आपको विजिबल नहीं है। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको ऊपर करना पड़ेगा और इसको यहाँ पर नीचे करना पड़ेगा। जैसे ही आप देखेंगे तो ये मुझको कम्प्लीटली दिखने लग गया। मुझको अल्फा चैनल को हटा देना है और आप देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा कम्प्लीटली एडिट हो चुका है, और मुझको ये बैकग्राउंड पीछे से थोड़ा सा सेट कर देना है। जैसे ही मैं इसको सेट कर दूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी मेरा थोड़ा थोड़ा सा बाल आपको हटता हुआ दिखेगा, तो मुझको थोड़ा सा यहाँ पर फाइन ट्यून कर देना है इसको। फाइन ट्यून जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा ये थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज करूंगा और इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फाइन ट्यून कर सकते हो आगे पीछे करके। जब ये परफेक्टली मतलब आपका पूरा कम्प्लीटली पीछे का बैकग्राउंड हटने लग जाएगा, उसके बाद अपनी वीडियो को आप कम्प्लीटली एडिट कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आप अपनी वीडियो को कोई भी बैकग्राउंड के साथ एडिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊं, यदि मोबाइल से आपको लगता है कि मोबाइल से भी ये एडिटिंग करना आप चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जरूर नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो मोबाइल से एडिट करने के रिगार्डिंग बनाऊंगा। तो गाइस जाते जाते बोलना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।